खीरा खाना हर कोई पसंद करता है। इससे पाचन सही रहने के साथ साथ शरीर में पानी की कमी पूरी होती है। वहीं गर्मियों में इसका सलाद, जूस आदि का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है। मर बात इसे खरीदने की करें तो आमतौर पर लोग चीज़ों का रंग और आकार देखकर उसे ले लेते हैं, मगर कई बार यह अंदर से कड़वा और ख़राब भी निकल आता है। ऐसे में खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको अच्छा विदेशी खीरा खरीदने व इसका कड़वापन दूर करने के तरीके बताते हैं। खीरे की छिलके से करें पहचान। वैसे तो बाज़ार में खीरे कई प्रकार के मिलते हैं, मगर देसी खीरा खाने में स्वाद व सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। ऐसे में इसे खरीदने के लिए आप इसके छिलकों से भी उसकी पहचान कर सकते हैं। अगर खीरे के छिलकों का रंग ज़्यादा गहरा व कहीं कहीं से पीला और उसमें दाने उभरे हों तो समझ जाएं कि यह देसी खीरा है। ऐसे में आप इसे खरीद सकते हैं। खीरे के आकार से पता लगाएं। आपने अक्सर छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े आदि आकार के खीरे देखे होंगे। ऐसे में बात इन्हें खरीदने की करें तो ज़्यादा बड़े आकार के खीरे खरीदने से बचना चाहिए। वहीं छोटे या मीडियम साइज़ के खीरे सही होते हैं। इसके साथ ही ज़्यादा पतला और मोटा खीरा कभी ना खरीदें। बड़े में मोटे खीरे में अधिक बीज हो सकते हैं, वहीं ज़्यादा पतला खीरा कच्चा व कड़वा निकल सकता है। खीरे खरीदने से पहले उसका कसाव देखें। खीरे को खरीदने से पहले चेक करें कि वह ज़्यादा मुलायम है या नहीं। अक्सर जो ज़्यादा मुलायम खीरा अंदर से गला व अधिक बीजों वाला होता है, वहीं इसके विपरीत जरूरत से अधिक पक्का खीरा भी ऐसा ही निकल सकता है। इसलिए खीरे को ऊपर से दबाकर देखें और थोड़ा सख्त खीरा ही खरीदें। अगर खीरा कटा व मुड़ा हुआ हो तो उसे खरीदने की गलती ना करें। जिस खीरे के ऊपर हरी रेखाएं उभरी हों वह देसी खीरा नहीं होता। इसके अलावा हल्का पीले रंग का खीरा बासी हो सकता है, इसलिए इसे ना खरीदें। खीरे का कड़वापन दूर करने के तरीके। इसके लिए खीरे को धोकर उसके ऊपरी हिस्से का थोड़ा भाग काट कर उस पर नमक लगाएं, फिर दोनों हिस्सों को एक दूसरे पर थोड़ी देर के लिए घसें। इससे खीरे का कड़वापन झाग के रूप में आसानी से निकल जाएगा। वैसे तो आपने अक्सर अपने घर में ऐसा करते देखा होगा। यह आइडिया काफ़ी कारगर भी माना जाता है। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।